हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है परिवर्तन क्या होते हैं, यानी चेंज क्या होता है। इसको समझने के लिए आप अपने आसपास होने वाली बहुत सारी परिस्थितियों को ध्यान से देखिए, जैसे दूध का फटना, लोहे को जंग लगना, किसी वस्तु का जलना या और भी बहुत सारी परिस्थिति, फलों का पकना, घर में भोजन का पकना। इन सभी परिस्थितियों में आपको क्या दिखाई देता है कि किसी ना किसी वस्तु के रूप में, आकार में या उसकी अवस्था में, या यूं कह लीजिए उसके तापमान में कोई ना कोई अंतर जरूर आया है। ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें किसी वस्तु का रूप बदल जाए, आकार बदल जाए, अवस्था बदल जाए, तापमान बदल जाए, उन सभी परिस्थितियों को हम क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे, चेंज कहेंगे। ठीक है, जब हम किसी भी परिवर्तन को अच्छे से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो हम दो बातें सामने निकल कर आती हैं, यानी कि परिवर्तन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। आइए भौतिक परिवर्तन को अच्छे से समझते हैं क्या होता है। भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहेंगे जिस परिवर्तन में किसी भी पदार्थ की सिर्फ और सिर्फ क्या बदले, अवस्था बदले। अवस्था से क्या मतलब है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि पानी जो है वो तीन मूल अवस्थाओं में मिलता है। कौन कौन सी अवस्थाओं में मिलता है? या तो ठोस अवस्था में मिलता है, या द्रव अवस्था में मिलता है, या वाष्प यानी कि गैसियस अवस्था में मिलता है। पानी को जब आप गर्म करते हो तो वो ठोस पानी को जब आप गर्म करते हो, बर्फ को गर्म करते हो, तो वो द्रव में बदल जाएगा। उसको आप फिर से गर्म करोगे तो वो वाष्प में बदल जाएगा, वो पानी की गैसियस अवस्था है। अब इस परिवर्तन को ध्यान से देखिए, इस परिवर्तन में क्या हो रहा है? जो पानी ठोस था शुरुआत में वो द्रव में बदल गया, और जो द्रव था उसको फिर से गर्म किया तो वो गैस में बदल गया। इस पूरे परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ क्या बदली है? अवस्था बदली है। इसलिए ऐसा कोई परिवर्तन जिसमें अवस्था बदले कैसा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। उन सभी परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहते हैं जो उत्क्रमणीय हैं, यानी कि हम प्रारंभिक अवस्था को वापिस पुनः प्राप्त कर सकें। जैसे हम इस गैस से द्रव अवस्था वापिस प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसके तापमान में कमी कर दें तो गैस वापिस अवस्था, जो वाष्प था वो वापिस द्रव में बदल जाएगा, और ज़्यादा कमी कर दोगे तो जो द्रव था वो ठोस में बदल जाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी परिवर्तन जो उत्क्रमणीय हो कैसा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तीसरी बात, यदि कुछ नया पदार्थ ना बने, नया पदार्थ नहीं बने, उन सभी परिवर्तनों को भी हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कोई भी नया पदार्थ नहीं बने, नए पदार्थ बनने से मतलब है कि ऐसा कोई पदार्थ बने जिसकी आंतरिक संरचना अलग हो। तो इस भौतिक परिवर्तन में ऐसा कोई पदार्थ नहीं बनता जिसकी आंतरिक संरचना अलग हो। आइए कुछ एग्जाम्पलों से इसको और अच्छे से समझते हैं। पहला है पानी का वाष्प बनकर उड़ना, समझ में आ जाएगा क्यों ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, जब बर्फ पिघलती है यानी ठोस से द्रव में जाती है तो उसके आंतरिक गुणों में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि वही वाटर है जो रासायनिक रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है उसी अनुपात में। तीसरा है मोम का पिघलना, यानी मोम जब ठोस अवस्था में था, जब पिघल के द्रव अवस्था में आ जाएगा तो उसके आंतरिक संरचना में यानी कि उसकी स्टेट में कोई बदलाव, आंतरिक संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसकी पहचान वही है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। सुई का चुंबक बनना, यानी कि ये भी कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। आइए अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा कोई भी परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ बने, कैसा पदार्थ बने? नया पदार्थ बने, उन सभी परिवर्तनों को हम कैसा परिवर्तन कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। नए पदार्थ बनने से क्या मतलब है? कि जो प्रारंभिक पदार्थ है उससे कुछ अलग मिलेगा,
उस सभी परिवर्तनों को हम कैसा परिवर्तन कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। आइए पढ़ते हैं। लोहे को जंग लगना, जब भी लोहे को जंग लगता है उसके ऊपर एक आयरन के ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिसको आप लाल भूरे रंग की परत के रूप में देखते हो। तो ये पदार्थ रिएक्शन शुरू होने से, अभिक्रिया शुरू होने से पहले नहीं था, यानी इस परिवर्तन में शुरुआत में लोहा था, परंतु लोहे के ऊपर हमने इसकी परत देखी, ये नया पदार्थ बना है, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। पाचन होना, जब भी आप भोजन करते हो उसके अंदर बहुत सारे अवयव होते हैं, जैसे हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। यानी कि ग्लूकोज हमारे भोजन में पहले से नहीं था, वो बाद में आया है जब भोजन का पाचन हुआ है। तो इस तरह ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया बने, उन सभी परिवर्तनों को क्या कहेंगे हम? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। रासायनिक परिवर्तन एक तरीके से परमानेंट चेंज होते हैं, यानी कि ये वापस नहीं बदले जा सकते, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है सारे के सारे, यानी आप वापस से पुनः उस स्थिति में नहीं आ सकते जहां से आपने आरंभ किया था। यानी कि अगर आपका ए से बी बना है तो वापस आप बी से ए नहीं बना सकते। कब? जब कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तब। भौतिक परिवर्तन में आप ऐसा कर सकते हैं, यदि ए से बी बना है तो वापस हम बी से ए बना सकते हैं। वो परिवर्तन जिसमें वापस आप अपनी पुनः स्थिति प्रारंभिक स्थिति में जा सको, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, नहीं जा सकते हो तो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, कागज का जलना। कागज के जलने में क्या होता है? कागज जब जलता है तो राख बनती है, यानी कि वो जो राख है वो पहले नहीं थी, वो बाद में आई है, कुछ नया पदार्थ आया है, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में बदलना, दही नया पदार्थ था, यानी ऐसा कोई भी परिवर्तन जिसमें कुछ नया बनेगा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चावल का पकना, जब हम चावल को पकाते हैं तो चावल के पकने के अंदर चावल में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जब उनको गर्म करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट तो किस में बदल जाएंगे? ग्लूकोज में। और चावल में अगर कुछ प्रोटीन के मात्रा है तो वो प्रोटीन भी किस में बदल जाएगा? अमीनो अम्लों में। तो यहाँ कुछ नया मिला है, नया मिला है तो ये परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, यदि आप नमक को पानी में घुलते हो तो वापिस से हम अगर पानी को गर्म कर लें तो हमें नमक और पानी दोनों मिल जाएंगे, यानी ये कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय, यानी ये वापिस हो सकता है, नमक वापिस आपको मिल सकता है, पानी आपको वापिस मिल सकता है, यानी ये कैसा परिवर्तन होगा? आपका भौतिक परिवर्तन होगा। अब कुछ एग्जांपल्स आपके लिए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कैसे कैसे परिवर्तन है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करना कैसा परिवर्तन है? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपका जो परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, यानी आप वापस उसी अवस्था में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा है श्वसन कैसा प्रोसेस है, यानी कि श्वसन के दौरान श्वसन जो है वो रासायनिक है या भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, कांच के गिलास का टूटना, यानी इन आप चार जो क्वेश्चन हैं इनके आप आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत में ही इन चारों के बारे में आपको बताता हूँ ये कैसे परिवर्तन है। तो आप लोगों ने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में सीख लिया। रासायनिक परिवर्तन को ही किसको? रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। आइए पढ़ें। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसको समझने के लिए आइए कुछ छोटे छोटे टर्म्स और एक उदाहरण लेकर इस रासायनिक अभिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा उदाहरण है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इस उदाहरण को लेके हम कुछ छोटी छोटी टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें रासायनिक अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले पढ़ते हैं अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। अभिकारक उन पदार्थों को कहते हैं जो किसी रिएक्शन में भाग लेते हैं, यानी रिएक्शन को शुरू करवाते हैं। शुरू करवाने वाले पदार्थों को, भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में कौन भाग ले रहा है रिएक्शन में? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यानी इस ऊपर वाली रिएक्शन में जो आपको सामने दिखाई दे रही है, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। किसी रिएक्शन में दो भाग होते हैं, एक दाहिना तरफ और एक बाईं तरफ। तो बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी तरफ? लेफ्ट हैंड साइड में हम किसको लिखेंगे? अभिकारकों को लिखेंगे। अभिकारक अगर एक से ज्यादा है
तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगा के लिखेंगे। अगर और भी ज्यादा होते तो हम प्लस का साइन लगा के लिख देते। उत्पाद क्या होते हैं? किसी भी अभिक्रिया में जब अभिकारक मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जो पहले अभिक्रिया में नहीं होता। उस नए बने पदार्थ को जो अभिकारकों के मिलने से बना है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट किसी रिएक्शन में अगर बनता है तो हम उसको कौन सी तरफ लिखेंगे? राइट हैंड साइड में उसको हम लिखते हैं। अगर एक से ज्यादा उत्पाद बनते हैं तो उनको भी हम प्लस का साइन लगाकर लिख देंगे। अभिकारक और उत्पाद ठोस, द्रव या गैस कोई भी अवस्था में हो सकता है। हमारा तीसरा है एरो क्या होती है। किसी रिएक्शन में अभिकारकों को और उत्पादों को हम अलग अलग करते हैं किसके द्वारा? एक एरो के द्वारा यानी तीर के निशान के द्वारा। इस एरो के दो भाग हैं, एक इसका हेड है एक इसकी टेल है। हेड जो है वो उत्पाद की तरफ होता है यानी कि प्रोडक्ट की तरफ होता है और जो टेल होती है वो रिएक्टेंट की तरफ यानी कि अभिकारक की तरफ होती है। एरो का उपयोग क्या है? इस एरो का उपयोग हम यहाँ किसी अभिक्रिया में होने वाली कंडीशनों को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे तापमान कितना है, दाब कितना है या कोई उत्प्रेरक उपस्थित है या नहीं है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? कैटलिस्ट, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा दें या घटा दें, उन सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं वो पॉजिटिव उत्प्रेरक कहलाते हैं, घटाने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं उनको नेगेटिव उत्प्रेरक कहते हैं, यानी कि वो किसी रिएक्शन की दर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो एरो का मतलब समझ में आ जाएगा, ये कंडीशनें लिखने के लिए यूज करते हैं। तीसरी अगली चौथी बात है हमारे पास, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, BCE, और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को कहते हैं कंकाली समीकरण। ऐसे समीकरण या ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर दोनों तरफ तीर के निशान के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या यदि समान है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यदि तीर के निशान के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन यानी कि कंकाली समीकरण कहलाएगा। जैसे कि आपको ऊपर अभिक्रिया दिखाई दे रही है, इसको इससे समझने की कोशिश करिए। एक मैग्नीशियम है इधर, इधर एक मैग्नीशियम है, इधर ऑक्सीजन्स के नंबर दो हैं, इधर एक है, यानी कि ये कैसा समीकरण है? कंकाली समीकरण है। कैसे कंकाली समीकरण को संतुलित समीकरण बना सकते हैं ये हम इस लेसन में आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा है स्टेट्स क्या होती हैं, यानी कि अवस्था क्या होती है। अवस्था से मतलब है कि जो हमारे अभिकारक या उत्पाद जो होते हैं वो किस अवस्था में अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अवस्था को दिखाने के लिए हम मुख्य रूप से चार बातों का उपयोग करते हैं, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, गैस यानी गैस, और अगला है एक्वस। ये सब आप इन सब से आप परिचित हो, इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे को हमने मैग्नीशियम लिया, इसके आगे ब्रैकेट में हमने एस लिख दिया, इसका मतलब इस रिएक्शन में भाग लेने वाला मैग्नीशियम ठोस अवस्था में है। अगर ये एल लिखा होता तो ये द्रव अवस्था मतलब बता रहा होता, और अगर ये जी लिखा होता तो ये गैस बता रहा होता। एक्वस का क्या मतलब है? यदि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी उत्पाद या अभिकारक के आगे अगर एक्वस लिखा मिल जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो पदार्थ है वो पानी के अंदर उपस्थित है, यानी ऐसे विलयन में उपस्थित है जहां पानी प्रेजेंट है। ठीक है, एक्वस का मतलब है वेयर वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, यानी कि पानी वहां पर द्रव अवस्था में पानी वहां पर उपस्थित है। आइए अगला पढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया में आपको दो एरो दिखाई देंगी, रिएक्शन में अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो, दो तरह के एरोज आपको दिखाई देंगी। डाउनवर्ड एरो और अपवर्ड एरो क्या शो करती हैं? अपवर्ड एरो का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट बना है वो गैस है और रिएक्शन से गैसियस फॉर्म में बाहर निकल रहा है,
डाउनवर्ड एरो का मतलब है आपका जो प्रोडक्ट बना है वो सॉलिड है और कैसा है, इनसॉल्युबल है। कैसा सॉलिड है वो? इनसॉल्युबल सॉलिड है और नीचे सेटल हो गया है, रिएक्शन में नीचे जमा हो गया है। इस नीचे जमा हुए इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट को हम शॉर्ट में PPT लिखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेट। क्या कहेंगे इसको? प्रेसिपिटेट कहेंगे, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अवक्षेप कहेंगे। जिन रिएक्शनों में प्रेसिपिटेट बने उन रिएक्शनों को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं जिनमें हीट इवोल्व होती है, उनको हम प्लस साइन से दिखाते हैं। कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं जिनमें हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, उसको नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। बहुत सिंपल है, कोई रिएक्शन हो रही है उसमें आप थर्मामीटर डाल दीजिए, रिएक्शन से पहले और बाद के टेम्परेचर को नोट कीजिए। अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो उसको पॉजिटिव साइन से लिखेंगे, अगर टेम्परेचर घटा है तो उसको नेगेटिव साइन से लिखेंगे। अगला है हमारे पास कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, इसको समझने के लिए डायग्राम को ध्यान से देखिए आप। इस डायग्राम में आपको दो बीकर दिखाई दे रहे हैं, दोनों बीकरों के अंदर 100 ml आपके पास सॉल्वेंट है। पहले वाले बीकर में जिसको मैंने A लिखा है उसके अंदर मैंने 50 ml रेड कलर का सॉल्यूट ऐड कर दिया। दूसरा जो बीकर आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैंने B लिखा है उसके अंदर भी मैंने 70 ml रेड सॉल्यूट डाल दिया। अब आप यहाँ आइए, जिसके अंदर मैंने सॉल्यूट डाला है 100 ml, वहाँ पे सॉल्वेंट था 70 ml, मैंने वहाँ पे सॉल्यूट डाल दिया। दूसरा जो था आपके पास सॉल्यूशन उसमें 50 ml सॉल्यूट है और 100 ml क्या है? सॉल्वेंट है। अब ध्यान से देखेंगे तो जहाँ सॉल्यूट का अनुपात ज़्यादा हो, अनुपात यहाँ ज़्यादा है, जहाँ सॉल्यूट का अनुपात कम हो उसको हम डाइल्यूट कहेंगे, जहाँ सॉल्यूट का अनुपात ज़्यादा होगा उसको हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड कहेंगे। तो आपको जब भी आप किसी रिएक्शन को देखोगे तो वहाँ रिएक्टेंट के आगे आपको कंसंट्रेटेड डाइल्यूट इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब समझ जाना, जहाँ सॉल्यूट की परसेंटेज ज़्यादा है वहाँ कंसंट्रेटेड टर्म यूज की जाएगी, जहाँ सॉल्यूट की परसेंटेज कम है वहाँ डाइल्यूट टर्म यूज की जाएगी। अगला आपके पास है कैटलिस्ट क्या होते हैं। किसी रिएक्शन में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जो बढ़ा देते हैं उनको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, जो घटा देते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। परंतु इनकी खास बात यह है कि ये रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी को भी प्रभावित नहीं करते, इनको हम एरो के ऊपर यहाँ दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिपिटेट, जो मैंने अभी बताया भी था पहले भी कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट के बारे में बताया था कि जब आपका प्रोडक्ट बने वो सॉलिड हो और कैसा हो? इनसॉल्युबल हो, तब वो रिएक्शन के अंदर नीचे, किसी रिएक्शन जहां हो रही है वहां नीचे जमा हो जाता है। उस नीचे जमा हुए सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में इसको हम क्या लिखते हैं? PPT। अब आपका अगला है, अगला हमारे पास है वर्ड इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इसमें मैग्नीशियम को उसके सैंबल से दिखाया गया है Mg, ऑक्सीजन को उसके सैंबल ऑक्सीजन से दिखाया गया है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को उसके सैंबल MgO से दिखाया गया है। यानी अगर मैं इस तरह से सैंबल्स यूज करके किसी रिएक्शन को लिखता हूँ तो वो कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। पर मैं इसको ऐसे लिखता कि ये मैग्नीशियम ऐसा है, अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं तो ये क्या कहलाएगी? वर्ड इक्वेशन। और अगर मैं इसको सैंबल्स के रूप में लिखता हूं तो मैं इसको कहूंगा केमिकल इक्वेशन। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है केमिकल रिएक्शन के अंदर कि आपके पास दो साइड है यहाँ पे, पहली साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी साइड जो है वो है क्या है? राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हम ऑलवेज प्रोडक्ट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम ऑलवेज रिएक्टेंट लिखेंगे। जो रिएक्टेंट होते हैं अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो उनके बीच में हम प्लस साइन यूज करेंगे, अगर ऐसा प्रोडक्ट के साथ भी है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो हम वहाँ भी क्या लिखेंगे? प्लस साइन शो करेंगे।
अगर रिएक्शन में हीट इवोल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो भी हम उसको भी हम यहाँ पे प्लस और माइनस साइन से दिखाएंगे। इन सब बातों को पता करने के बाद हम किसी केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के गुण, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के क्या क्या गुण हो सकते हैं, आइए देखते हैं। ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें गैस निकले, स्टेट चेंज हो जाए, यानी कि ठोस, द्रव, गैस ये आपस में बदल जाएं, तापमान में बढ़ोतरी या कमी आना भी किसी रासायनिक अभिक्रिया का गुण है, प्रेसिपिटेट बनना यानी कि अवक्षेप बनना या रंग में बदलाव आ जाना, ये सभी गुण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। आइए एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है गैस उत्सर्जन। ऐसे किसी भी प्रक्रम को जिसमें गैस निकले हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक कॉनिकल फ्लास्क ले लें, उसके अंदर जिंक के कुछ टुकड़े डाल लें, जिंक धातु है, उसके कुछ टुकड़े डाल लें, और इस कॉनिकल फ्लास्क की दीवार के साथ साथ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल डालें, तो हम क्या देखते हैं, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलता है तो अपना सल्फेट बनाता है यानी ZnSO4 बनाएगा। इसके साथ साथ ही सभी क्रिया में एक गैस निकलती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। इसको हम अपवर्ड एरो से दिखाएंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब भी किसी अभिक्रिया में कोई उत्पाद बनता है, यदि वो गैस है तो उसको हम अपवर्ड एरो से दिखाएंगे। और एक छोटी सी बात आपकी नॉलेज के लिए, कैसे पता करें कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है, इस निकलती हुई गैस के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके जाइए, वो और ज़्यादा जलने लगेगी, और ज़्यादा ज्वाला से जलेगी, यानी कि कन्फर्म हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। यानी कि पहला गुण पढ़ा गया, ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें गैस का उत्सर्जन होगा वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा देखिए, अवक्षेप बनना। अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट बनना। आइए पढ़ते हैं। दो टेस्ट ट्यूब ले लो, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन ले लीजिए, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन ले लीजिए। जब इन दोनों को आप मिलाते हो तो आप क्या पाते हो कि जो तीसरी टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने इन दोनों को मिलाया है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे एक पीले रंग का पदार्थ जमा हो गया और ऊपर एक जलीय विलयन हमें मिला है। इस अभिक्रिया को अगर हम ध्यान से समझें तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऐसा उत्पाद बने जो कि ठोस हो, कैसा हो, ठोस हो, सॉलिड हो, और जो नीचे जमा हो जाए, उस ठोस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में इसको PPT से लिखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में प्रेसिपिटेट बने वो सभी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। और प्रेसिपिटेट को हम कैसे दिखाते हैं, डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप वो उत्पाद होता है जो अघुलनशील है, यानी कि वो जलीय विलयन में नहीं घुलेगा। अघुलनशील ठोस उत्पाद को, फिर से समझ लीजिए, अघुलनशील ठोस उत्पाद को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जिस भी अभिक्रिया में ये बनते हैं वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल दोबारा समझ लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन ले लिया एक हमने टेस्ट ट्यूब में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन ले लिया। जब हमने दोनों को मिक्स किया तो हमें येल्लो कलर का यानी पीले रंग का एक पदार्थ मिला जो कि क्या था, अवक्षेप। एक और एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। ये डाउनवर्ड एरो क्या दिखाती है कि जो अवक्षेप बना, जो प्रेसिपिटेट बना है वो कैसा है, अघुलनशील, इनसोल्युबल, और वो कैसा है, ठोस, यानी कि वो नीचे जमा हो जाएगा। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। थर्ड हमारा पॉइंट है कलर चेंज, यानी किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक को, अभिकारक जब उत्पाद में बदलें
यदि उनका रंग बदल जाता है तो वो अभिक्रिया भी कैसी कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो हम इसी एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, यानी कि जो दो आपने टेस्ट ट्यूब ली थी, वो दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूबों में जो विलयन भरा हुआ था वो रंगहीन था, यानी कि कलरलेस था। पर जैसे ही आपने उनको मिलाया तो आपको कैसे रंग का पदार्थ मिला? येलो रंग का, यानी कि रंग चेंज हुआ, कलरलेस से कैसा आ गया? येलो। किसी भी अभिक्रिया में यदि रंग बदलता है तो उस अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन कहेंगे। आइए और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। AgCl को अगर हम लाइट की उपस्थिति में, HNO का मतलब होता है लाइट, सूर्य का प्रकाश, इसकी उपस्थिति में छोड़ देते हैं बाहर, तो यह किस किस में बदल जाता है? Ag और क्लोरीन में बदल जाएगा। Ag का जो रंग होता है वो ग्रीस व्हाइट, सफ़ेद रंग का, हल्का सफ़ेद रंग का हो जाएगा, और ये व्हाइट कलर है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में क्या हुआ है? ग्रीस व्हाइट कलर बन गया, रंग बदल गया। जो अभिकारक था उसका रंग था सफ़ेद, जो दूसरा अभिकारक आया है उसका ग्रीस सफ़ेद रंग है। तो इस प्रकार रंग बदलना एक किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अपने आसपास जनरल लाइफ से कुछ एग्जांपल देखिए। रस्टिंग, जब लोहे को जंग लगता है तो लोहे का रंग बदल जाता है, यानी कि लाल भूरे रंग का एक अलग सी परत बन जाती है लोहे के ऊपर। इसके अलावा आप देखते हो कोई भी फल जब पकता है तो उसके रंग में परिवर्तन आता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। या कई बार आपने देखा होगा किसी सेब के टुकड़े को हम काट के खा लेते हैं और बाकी जो बचा हुआ सेब है उसके रंग में भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि सेब के अंदर क्या प्रेजेंट है? आयरन। आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपना क्या बना लेगा? ऑक्साइड। उसकी वजह से वहां पे रंग में परिवर्तन आ रहा है। इसके अलावा कुछ सब्जियों को काट देने के बाद अगर हम काट के उनको रख दें तो उनके रंग में बदलाव आ जाएगा। वो रंग में बदलाव कैसी अभिक्रिया दिखा रहा है? वहां पे रासायनिक अभिक्रिया को दिखा रहा है। आइए अगला पढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का अगला गुण है उसके तापमान में बदलाव, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके तापमान में बदलाव आ जाए, बदलाव बढ़ने का भी हो सकता है, घटने का भी हो सकता है, उन सभी अभिक्रियाओं को भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तापमान बढ़ने और घटने के हिसाब से रासायनिक अभिक्रियाएं दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक्जोथर्मिक अभिक्रियाएं और एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं। एक्जोथर्मिक को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं और एंडोथर्मिक को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ध्यान से देखिए, एक्जो और थर्मिक जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्जो और थर्मिक। एक्जो का मतलब आउट, आउट मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, हीट मतलब ऊष्मा। यानी कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकले उसको क्या कहेंगे? एक्जोथर्मिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा बाहर निकले, उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? एक्जोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे? जब भी कोई अभिकारक उत्पाद में बदलेगा, यानी कि प्रोडक्ट में बदलेगा, तब उस उत्पाद के साथ साथ क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोक, यानी कार्बन को जब जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलती है? हीट। हीट मतलब ऊष्मा। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी उसको कैसी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं। बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बनों का जलना, मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस क्या बनता है? ऊष्मा बनती है। इस अभिक्रिया में भी ऊष्मा निकली है तो ये भी कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ये NCERT का एक प्रश्न भी है और बड़ा ध्यान से समझना है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। आइए देखते हैं। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन व अन्य पदार्थ भी होते हैं। भोजन जब अमाशय से होता हुआ छोटी आंत से आगे बढ़ता है तो छोटी आंत में जाकर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो जाता है पूर्ण रूप से, और वो जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो किस में बदल गए? ग्लूकोज में बदल जाते हैं। यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? कोशिकाओं में। वहां जाकर ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में जाकर किससे अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन से, और हमें क्या देता है?
कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यानी कि इस अभिक्रिया में भी ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है, इसलिए श्वसन को भी हमने कैसी अभिक्रिया मान लेना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मान लेना है। और एक चीज और बिल्कुल क्लियर कर लो कि श्वसन क्या है। श्वसन सांस लेने को नहीं कहते, श्वसन उस प्रक्रम को कहते हैं जिस प्रक्रम में ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर कहां हमारी कोशिकाओं में हमें क्या प्रदान करे, ऊर्जा प्रदान करे, उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, श्वसन कहेंगे। यानी कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकली, इसलिए हमने इसको कैसा प्रोसेस कह दिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया इसको हमने कहा है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम देखते हैं जो ऊष्मा क्षेपी हैं। जैसे देखिए बर्फ का बनना, जब भी बर्फ बनेगी उसके आप जो अणु होते हैं पानी के वो आपस में मिलते हैं और ऊष्मा बाहर निकलती है। लोहे को जंग लगना भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सीमेंट का सेट होना, यानी पानी के साथ मिलकर सीमेंट कठोर जो होती है वो भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियां जब गल जाती हैं विघटित होकर क्या बनाती हैं, कंपोस्ट, यानी कि खाद जो बनती है वो कंपोस्ट जो बना है उस बनने के दौरान भी क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ये साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी कैसी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आइए अगला पढ़ते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उष्मा लेकर किस में बदलते हों, उत्पाद में बदलते हों, यानी कि रिएक्टेंट उष्मा लेकर किस में बदलें, प्रोडक्ट में बदलें, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे देखिए FeSO4 आयरन सल्फेट को जब हमने हीट दी, उष्मा दी, तो हमें क्या मिला, Fe2O3, SO2 और SO3। यानी उष्मा लेकर, उष्मा निकली नहीं है, अगर निकलती तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती, इसने ऊष्मा ली है। जहां ऊष्मा देनी पड़ेगी वो अभिक्रियाएं क्या होंगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होंगी। ऐसा ही अगला एग्जांपल है, और इससे अगला एग्जांपल भी क्या कर बता रहा है, यानी कि अगर हम एक बीकर ले लें और उस बीकर के अंदर पानी लेकर और दो इलेक्ट्रोड लगाकर उनमें से करंट पास करें, तो वाटर जो होता है वो किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। इस प्रक्रम में भी ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होने की वजह से ये प्रक्रम भी, यानी पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाना भी कैसा प्रक्रम है, एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी कि ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। और पढ़िए प्रकाश संश्लेषण, देखिए श्वसन और प्रकाश संश्लेषण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। श्वसन के दौरान तो क्या हुआ था, श्वसन के दौरान तो आपने पढ़ा कि जो ग्लूकोज था C6H12O6 वो हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन लेकर क्या बना रहा था, CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा, यानी कि ये जो प्रक्रम आप पढ़ रहे हो ये क्या है, श्वसन। इस प्रक्रम यानी कि इंग्लिश में आप इसको क्या कहोगे, रेस्पिरेशन। श्वसन के दौरान ऊष्मा बाहर निकली। अगर मैं इसी प्रोसेस को उल्टा पढ़ता हूं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, ग्लूकोज और कौन सी गैस दे रहे हैं, ऑक्सीजन, तो इस प्रक्रम को मैं अब की बार क्या कहूंगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को और श्वसन को आप यूं मान के चलिए ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। श्वसन यदि ऊष्माक्षेपी था तो प्रकाश संश्लेषण कैसा कहा जाएगा, ऊष्मा शोषी, क्योंकि यहां अब की बार ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, ऊष्मा यहां एब्जॉर्ब हुई है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कैसा प्रोसेस है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम कहा जाएगा। पानी का वाष्प बनना, यानी पानी जब भी वाष्प बनता है तो ऊष्मा लेकर बनता है, इसलिए ये प्रोसेस कैसा कहा जाएगा, ऊष्मा शोषी। बर्फ का पिघलना, बर्फ कैसे पिघलेगी, अपने आप नहीं पिघलेगी, उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, हीट देने के बाद बर्फ क्या होती है, पिघलती है, तो ये भी कैसा प्रक्रम कहलाएगा, ऊष्मा शोषी। तो इस प्रकार दो तरह के प्रोसेस आपने पढ़ लिए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। आइए किसी रासायनिक अभिक्रिया का अंतिम गुण पढ़ते हैं, चेंज इन स्टेट यानी कि अवस्था में बदलाव। यदि एग्जाम्पल देखिए इसका, बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स बोलते हैं मोम को, मोम होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि मोम का पिघलना
और मोम का जलना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको ध्यान से समझना है। यदि मोम पिघल रहा है तो मोम के पिघलने में सिर्फ अवस्था परिवर्तन है। मोम शुरू में ठोस था और किस में बदल गया, दारों में यानी कि लिक्विड में। यदि ये अवस्था परिवर्तन है, पिघल रहा है, तो ये कैसा प्रोसेस है, भौतिक परिवर्तन है। परंतु यदि मोम जल रहा है, यदि मोम जलेगा तो क्या क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस क्या निकलेगी, ऊष्मा यानी कि लाइट निकलेगी, तब ये कैसा प्रोसेस है, रासायनिक प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रम है। यानी कि मोम का जलना, इसमें अवस्था भी बदल गई, कैसे, मोम शुरू में ठोस था, अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिली है, गैस मिली है। यानी इस अवस्था परिवर्तन में हमारे को कुछ और चीजें भी साथ साथ मिल रही हैं, इसलिए मोम का जलना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से गुण हो सकते हैं, वो आपने सारे पढ़ लिए, एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहो। पहला गुण आपने पढ़ा जहां क्या निकले, गैस निकले। दूसरा आपने पढ़ा जहां पर अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट बने। तीसरा आपने पढ़ा जहां रंग में परिवर्तन हो। फोर्थ आपने पढ़ा जहां किस में बदलाव आए, तापमान में बदलाव आए। और पांचवा आपने पढ़ा जहां पर क्या बदले, अवस्था। ये पांच परिवर्तन जहां होते हों, उस पर पांच, उस अभिक्रिया को या उस प्रक्रम को हम कैसा प्रक्रम कहेंगे, रासायनिक प्रक्रम कहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक और पढ़ना है। इसके अलावा एक बात मैं और बता दूं आपको कि इस लेसन को मैं बिल्कुल कंप्लीट कराने वाला हूं। यानी कि मैं बिल्कुल हर टॉपिक को एनसीईआरटी की बुक से पूरा कवर करूंगा। तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगली वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं, यानी पूरा लेसन हम करेंगे, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स भी हम करने वाले हैं, यानी बिल्कुल कंप्लीट, कुछ भी आपको इस लेसन से छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक बात बिल्कुल अच्छे से समझाई जाएगी। आपको लेसन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देके बता सकते हैं। थैंक यू।